नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है कि हत्या या हत्या की कोशिश जैसी तमाम धाराएं जितनी है कानून, उसमें कानून में क्या परिभाषा क्या है, इसमें आपको कितनी सजा मिल सकती है। आज का जो टॉपिक है, सीधी सीधी बात करते हैं, अगर हम बात करें, अगर आप किसी की हत्या कर देते हैं, यानी कि सेक्शन 302 भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या के लिए सजा का प्रावधान है। अगर इस धारा के अनुसार जो कोई भी हत्या करता है उसे दंडित किया जा सकता है, मौत की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, या जो है उस पर कुछ जुर्माना लगा के कहा जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे ही मामले होते हैं, कोशिश की जाती है कि उम्र कैद या जुर्माना हो। बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस होते हैं जिसमें मृत्युदंड होता है, यानी कि मौत की सजा होती है। एक केस है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मौत की सजा देना, मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में दी जाती है। उसने बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में कुछ ऐसे मापदंड निर्धारित किए गए कि जिसका पालन किसी भी अभियुक्त को मृत्युदंड से पहले किया जाना चाहिए। इसमें जो वकील साहब थे, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो थे, कपिल सांखला ने कहा था कि मानव जीवन बहुत ही मूल्यवान है और मौत की सजा केवल तभी दी जानी चाहिए जब ये अनिवार्य है कि इस सजा के अलावा उसका कोई अन्य विकल्प ही नहीं है, और इसके किए गए अपराध जो है वो इतने जघन्य हैं कि उन्होंने उस हर सीमा को लांघ दिया है जिसमें आपको मृत्युदंड ना दिया जाए। तो रेयरस टू रेयरस जो होता है उसमें मृत्युदंड का प्रावधान होता है। अब बात करते हैं हाफ मर्डर की धारा क्या होती है। लोग कहते हैं हाफ मर्डर की क्या धारा होती है। देखिए, पहली तो बात बता दूं, हाफ मर्डर नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कानून की किताब में, परंतु लोगों ने इसे इतना लोकप्रिय बना दिया है कि हत्या के प्रयास को हाफ मर्डर कहते हैं, और इस अपराध के लिए एक ही धारा है, वो है आईपीसी की धारा 307। देखिए, ऐसे कई मामले होते हैं जहां पर एक व्यक्ति को पर हमला किया गया, उसे कई चोटें आती हैं लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती, तो इस मामले में जो धाराएं लगती हैं वो है 324 भी लग सकती है, 326 आईपीसी भी कई बार लागू हो जाती है। बात कर रहे थे आईपीसी धारा 307 के लिए, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें चोटों की संख्या, यानी कि आपके 50 चोट लगी है तो आपके ऊपर हाफ मर्डर लगता है। अगर एक भी चोट या कई चोट लगी परंतु वो मैटर नहीं करती, वो मैटर करती है कि आप उस चोट से मर सकते थे, माफ चाहूंगा, तो इसमें आपकी अधिकतम जो सजा है वो आजीवन कारावास से लेकर जुर्माने तक। अब आप पूछेंगे, अगली जो बात करता हूं मैं, कि अगर किसी के हाथ पैर अगर टूट जाते हैं तो कौन सी धारा लगती है। देखिए, आईपीसी की धारा 320, यानी कि गंभीर चोट लगना, ठीक है, धारा 325 गंभीर चोट पहुंचाने के लिए क्या जाए। देखिए, जानबूझकर अगर आप किसी को गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो इसमें आपको जेल जाना पड़ा जाएगा, और वो 7 साल तक जा सकते हैं, इसमें मतलब अधिकतम आप 7 साल तक कारावास में जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ नया। वीडियो पसंद आई हो तो पता ही आपको क्या करना है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में आपको जो पूछना हो वो पूछिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।